क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू में रोमन रेंस ने अपने कजन जे उसो को भी हरा दिया है, लेकिन अगले ओपोनेंट कौन होंगे रोमन रेंस के क्लैश ऑफ चैंपियंस के बाद, कौन होगा रोमन रेंस का हेल इन अ सेल पेपर व्यू में ओपोनेंट, तो देखेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं रेसलिंग मसाला, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ऐसे पांच पॉसिबल ओपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें रोमन रेंस फेस करते हुए नजर आ सकते हैं हेल इन अ सेल पेपर में। तो नंबर पांच से शुरू करते हैं, तो नंबर पांच पर आता है द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन। अभी हम ब्रॉन स्ट्रोमन की क्या बात कर जाए, तो ये ब्रॉन स्ट्रोमन हमें पता है कि फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन है, जो कि ब्रॉन स्ट्रोमन अपना टाइटल समरस्लैम में हारे, फिंड जीते, फिर वहां पर पे बैक में रोमन चैंपियन बने। लेकिन उसके बाद से ब्रॉन स्ट्रोमन तो हमें नजर ही नहीं आ रहे, वो अभी हमें हाल ही में देखने को मिले थे रॉ अंडरग्राउंड में। लेकिन हमें पॉसिबल ही लग रहा है कि अभी रोमन रेंस के ओपोनेंट हो सकता है ब्रॉन स्ट्रोमन, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से इनकी रायबारी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन हाँ WWE ऐसा करते हुए नजर आ सकती है कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू में इनका मैच सेट करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन इसके चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोमन भी एक हील है, ब्रॉन स्ट्रोमन भी एक हील है। तो नंबर चार पर आता है मैट रिडल। तो मैट रिडल तो पता है कितने बेहतरीन सुपरस्टार है, वो NXT से मेन रोस्टर में आए और उन्होंने अपना मैच लड़ा था किंग कॉर्बन के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर मैट रिडल भी फेस कर सकते हैं रोमन रेंस को हेल इन अ सेल पेपर व्यू में, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इतने जल्दी टाइटल पिक्चर तो नहीं देंगे मैट रिडल को। लेकिन आगे चलकर मैट रिडल को जल्दी से जल्दी WWE टाइटल पिक्चर में डाल सकते हैं, या फिर हो इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन। लेकिन बात कर जाए उनकी और रोमन की फाइट तो हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको पॉसिबल अपोनेंट्स बता रहा हूँ जो कि हो सकते हैं रोमन रेंस के। तो इसमें चौथे नंबर पर मैट रिडल का नाम आ सकता है, जो कि हम चौथे नंबर पर पकड़ के चल सकते हैं। तो नंबर तीन पर आते हैं केविन ओवंस। तो केविन ओवंस को तो पता है हम रॉ में है, और लेकिन बात कर जाए कैसे मैच हो सकता है तो उनका अभी तो WWE अनाउंस कर दिया, तो वो होने वाला है ड्राफ्ट, और यहाँ पर सुपरस्टार रॉ से स्मैकडाउन में और स्मैकडाउन से रॉ में आएंगे, तो उन्हें फुल आज़ादी होगी जो कि जो जिस रोस्टर में जाना चाहता है वो जा सकता है, जो कि होगा 9 अक्टूबर को होगा स्मैकडाउन में, और वो होगा 12 अक्टूबर को होगा मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और यहाँ पर केविन ओवंस का चांसेस नजर आ रहा है कि यहाँ पर इनका मैच 4 साल बाद हो सकता है, क्योंकि केविन ओवंस अभी फेस है और रोमन रेंस हील है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनकी मैच हो तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है हेल इन अ सेल पेपर में, चूँकि 4 साल पहले इनका मैच हुआ था तो काफ़ी बढ़िया मैच हुआ था, जो कि 4 साल पहले इनकी राइवलरी हुई थी तो काफ़ी बढ़िया लगा था, जो कि उनमें क्रिस जेरिको भी इन्वॉल्व थे उस टाइम। लेकिन इस बार मज़ा ही कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पर हील रोमन रेंस होगा और फेस केविन ओवंस, तो देखने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो नंबर दो पर आता है जिमी उसो एंड जे उसो। अभी दोनों सुपरस्टार का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि दोनों में से एक फेस करता हुआ नजर आ सकता है रोमन रेंस को हेल इन अ सेल पेपर में, क्योंकि अभी तक इनकी फ्यूड तो खत्म नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस ने अभी तक जे उसो को क्लीन हराया नहीं है। तो यहाँ पर जिमी उसो ने वो वाइट कलर का कपड़ा फेंका था और उसकी वजह से मैच खत्म हुई, और यहाँ पर जिमी उसो आए थे जे उसो को बचाने के लिए, और वहाँ पर इनका मैच तो क्लियर ही खत्म नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जिमी उसो तो अभी इंजर्ड है, लेकिन बात कर जाए जे उसो की तो वो फेस करते हुए नजर आ सकता है हेल इन अ सेल पेपर व्यू में रोमन रेंस को फिर से एक बार अपना रीमैच। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पर जे उसो फिर से फेस कर सकते हैं अपने ब्रदर रोमन रेंस को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच एट हेल इन अ सेल पेपर व्यू, तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो नंबर वन पर आते हैं द फिंड ब्रे वायट। तो हमने पिछले बार के स्मैकडाउन लाइव एपिसोड में देखा, जैसे ही एलेक्सा ब्लिस अपना मैच खत्म करके जा रही होती है, वहाँ पर बिग डॉग रोमन रेंस की म्यूजिक बजती है, और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है जैसे रोमन रेंस आते हैं, वहाँ पर पीछे से हमें एलेक्सा ब्लिस उन्हें गुस्से से देख रहे हुए नजर आ रही है एकदम अजीब तरीके से, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रोमन एंड फिंड की मैच हमें फिर से देखने को मिलेगी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस का भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल सकता है इस मैच के फ्यूट में। और यहाँ पर नंबर वन एंड नंबर टू को पकड़ के चलते हैं, यहाँ पर दोनों में से कोई भी अपोनेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर फिंड या फिर जे उसो। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। तो बस आज की वीडियो से यही तक थी, अगर आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को नीचे लाइक के बना, तो कहीं मत जाना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत बोलना, और इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।